नमस्कार दोस्तों, एक सवाल जो लगातार सोशल मीडिया पे गूंज रहा है और पूछा जा रहा है कि यदि कूर्म क्षत्रिय क्षत्रिय ही थे तो उनका कोई लिखित प्रमाण क्यों नहीं मिलता है। तो मैं अपने उन मित्रों को बताना चाहता हूं कि यदि आप ये सोचते हैं कि कोई लिखित प्रमाण है ही नहीं तो ये आपकी अनभिज्ञता है। और आपको मैं एक बात बता दूं कि इतिहास लिखे गए हर कुनबे के, चाहे वो राजा रानी के रहे हों, चाहे क्षत्रिय सैनिक वर्ग रहा हो या किसी पराजित राजा का भी इतिहास, वो लिखा गया लेकिन उसको कितना पढ़ा गया ये एक बहुत बड़ा विषय रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र वैद्य अभिषेक कुमार बस और आप देख रहे हैं अपना विश्वसनीय चैनल अग्नि व्यास वैदिक संस्कार सेवा समिति। तो आज हम आपको इस वीडियो में ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इतिहास लिखा गया ये महत्वपूर्ण था या इतिहास पढ़ा गया ये महत्वपूर्ण था। तो जैसा कि मैंने बताया कि यदि किसी भी राजा का रहा हो उसका इतिहास अवश्य लिखा गया, चाहे वो पराजित रहा हो चाहे वो विजयी रहा हो। बस फर्क ये रहा कि जो विजयी राजा रहा है उसका इतिहास का बढ़ चढ़ कर प्रशंसा हुई, क्योंकि जब राजा विजयी हुआ उसके यहाँ कवि आए, उसके दरबार में कवियों का सम्मेलन हुआ, तो वो उसी राजा के को अलंकृत करने का कार्य करते रहे ताकि उनको कुछ धन मिल सके। तो कुछ मित्र मेरे यहाँ पर आकर ये मुझे बताने लगते हैं कि ब्राह्मणों ने इतिहास नहीं लिखा। ऐसा नहीं है, सारे ब्राह्मण राजतंत्र के साथ नहीं थे, कुछ ब्राह्मण उस राजा के भी साथ होते थे जो हार रहा था। इस क्योंकि आप जानते हैं कि पहले ब्राह्मण ही मंत्री हुआ करता था, ये जो आपकी जानकारी है उस हिसाब से ही मैं बता रहा हूँ। तो यदि ब्राह्मण ही मंत्री हुआ करता था तो हर राजा का तो रहा होगा कि विजय निश्चित रहती थी, कि विजय निश्चित है, अब ये राजा हार जाएगा तो ब्राह्मण उधर ही हो गया। ऐसा नहीं था, हर ब्राह्मण मतलब पढ़ा लिखा व्यक्तित्व, तो उस जमाने में पढ़े लिखे व्यक्तित्व तो हर तरफ थे, लेकिन जो राजा विजयी हो जाता था वो अपने विजय गाथा को लगातार अपने आने वाले स्टूडेंट्स या विद्यार्थियों को पढ़ाया गया और उनका इतिहास लंबे समय तक लोगों को याद रहा। अब इसी के बीच में कूर्म क्षत्रियों का जो इतिहास रहा, क्योंकि मल्ल योद्धाओं ने उनको इतना दमन कर दिया कि उनके इतिहास को लिखा गया लेकिन पढ़ा नहीं गया। पढ़ा तब जाता जब उसको आज के सिलेबस में शामिल किया जाता, या फिर जो आईएएस पीसीएस या फिर जो सिविल सर्विसेज के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें शामिल किया जाता। तो मैंने सोचा कि मैं अपने मित्रों से ये कह दूं कि बता दूं कि आप लोग, क्योंकि सभी युवा वर्ग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ जुड़े हैं, तो ये मत कहिए आप लोग कि इतिहास लिखा नहीं गया, कि इतिहास लिखा गया लेकिन इतिहास पढ़ा नहीं गया। उसी जो ना पढ़ा गया इतिहास उसी पर हम प्रकाश डालने के लिए इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत होते हैं। तो नवरात्रि की शुभकामनाएं आप सभी को और माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। इन्हीं कुछ शब्दों के साथ आज फिर मैं आपका मित्र वैद्य अभिषेक कुमार बस आपसे विदा लेता हूं। यदि वीडियो लाइक कर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, मुझे कुछ लोग आकर कमेंट करते हैं कि व्यूज आर मोर देन सब्सक्राइबर्स, सब्सक्राइबर आर वेरी लेस। तो आप लोग इसमें मुझे कॉपरेट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करिए। अब मैं जानता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं लेकिन मैं स्वयं भूल जाता हूँ कि आपको सब्सक्राइब करने के लिए बोलूँ, तो अब आगे से आप ध्यान रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा।